और टॉपिक है आज अपना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 0 to 90 डिग्री बाय शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, यानी कि इसका डेरिवेशन नहीं कर रहे हम, एक शॉर्ट मेथड से ये कैसे याद रखें ट्रिग्नोमेट्री टेबल को। सपोज करो एंगल ले लिया हमने ए, और हमने वैल्यू निकालनी है किसकी, साइन ए, कॉस ए, टेंजेंट ए, और रेसिप्रोकल साइन का, कोसिकेंट ए, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट ए, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोट ए। ठीक है, एंगल कौन कौन से निकालने हैं हमने, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो बिल्कुल शॉर्ट मेथड क्या कहता है, आपने गिनती लिखनी है 0 से लेकर 4 तक। तो 0, 1, 2, 3, 4, ठीक, सबको 4 से डिवाइड कर दो। सारी वैल्यू को हमने क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो कैंसिल होता हो उसको कैंसिल कर दें, 0 पर ही कैंसिल हो गए, ये तो 1/2 और 4 से 4 1 पर कैंसिल हो गया। यहाँ आने के बाद जो भी वैल्यू आई है सबका रूट कर दें, सबका रूट कर दिया। ठीक है, तो क्या आ गया, 0 का रूट क्या होता है, 0 ही होता है, तो यानी कि जो साइन 0 है वो क्या आ गया, 0 आ गया। 1 का रूट 1 और 4 का 2, तो ये आ गया हमारे पास 1/2। 1 का रूट 1 और 2 का नहीं होता, तो ये आ गया हमारे पास 1/√2। 3 का रूट कंप्लीट वैल्यू नहीं है, 4 का 2 होता है, तो ये आ गया हमारे पास √3/2, और 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास, यानी कि साइन 0 की वैल्यू, 30 की वैल्यू, 45 की, 60 की और 90 की। ठीक है ना, हमने क्या किया, 0 से 4 तक गिनती लिखी, सभी को 4 से डिवाइड कर दिया, जो कैंसिल होता था उसको कैंसिल कर दिया और सबका रूट कर दिया। उसके बाद कोस उल्टा शुरू हो जाएगा, पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। ये आ गया हमारे पास सॉल्व होने के बाद कोस। ठीक है, कोस के बाद अगली वैल्यू है टेंजेंट की, किसकी है, टेंजेंट की। तो टेंजेंट होता क्या है, टेंजेंट होता है हमारा, अगर मैं 0 की बात करूं तो इसको क्या लिखूंगा, sin 0/cos 0। अब साइन 0 पे कितना है, 0, कोस 0 पे 1, 0 को किसी से भी डिवाइड कर लें तो क्या रहता है, 0 ही होता है, तो क्या आ जाएगा, ये 0। इसी प्रकार जब हम टेंजेंट 30 की वैल्यू निकालेंगे तो sin 30/cos 30 सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√3। साइन टेंजेंट 45 की वैल्यू निकालेंगे तो sin 45/cos 45 सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 1, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √3/1। और 1/0, अगर 1/0 डिनोमिनेटर में 0 है तो वो होता है इनफाइनाइट, जिसको हम अपरिभाषित हिंदी में बोलते हैं, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, अपरिभाषित, अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो इस सिंबल से हम उसको डिनोट करते हैं। उसके बाद अगली वैल्यू है हमारे पास कोसिकेंट की, अगली वैल्यू किसकी है, कोसिकेंट ए की। कोसिकेंट ए कैसे निकलेगा, साइन इसका रेसिप्रोकल है, तो 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, 1/2 का 2/1, 1/√2 का √2/1 और √3/2 का 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। ठीक है,
उसके बाद secant a, अगली वैल्यू है किसकी, secant a की। secant किसका रेसिप्रोकल, cos का, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, रूट 3 बाय 2 का 2 बाय रूट 3, और 1 बाय रूट 2 का रूट 2 बाय 1, और 1 बाय 2 का 2 बाय 1, और 0 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 0। ठीक है, उसके बाद टेंजेंट, टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है कोट ए, तो 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, 1 बाय रूट 3 का रूट 3 बाय 1, और 1 का रेसिप्रोकल 1, रूट 3 बाय 1 का 1 बाय रूट 3, और इनफाइनाइट का यदि रेसिप्रोकल करें तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये है बिल्कुल शॉर्ट मेथड, जब हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशो टेबल को याद रखना हो तो इस मेथड से आपने निकालना है। यहाँ पर हमने डेरिवेशन नहीं करवाया है, एक शॉर्ट ट्रिक बताई है आपको याद रखने की। ठीक है, अब इन्हीं फार्मूलों के बेस पे जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.2, वो कंप्लीट इन्हीं टेबल के बेस पे है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 8.2 करने से पहले आपने इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना है, और फिर जो है आपने क्वेश्चन करने हैं इसके। तो अब हम इसी टेबल के बेस पे क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट इसके। तो देखो, इसका पहला ही क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि एवलुएट द फॉलोइंग, इनकी इनके मान निकालिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसका फर्स्ट पार्ट। इसने कहा कि वैल्यू निकालिए साइन 60 डिग्री इनटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने वैल्यू ही पुट करनी है। साइन 60 कितना होता है, साइन 60 रूट 3 बाय 2, कोस 30, कोस 30 पे कितना होता है, रूट 3 बाय 2। ठीक है, उसके बाद साइन 30 डिग्री 1 बाय 2, कोस 60 डिग्री 1 बाय 2, और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया तो रूट 3 इंटू रूट 3, ये हो गया 3, 2 इंटू 2 4 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, LCM आ गया इन दोनों का 4, तो ये हो गया 3 प्लस 1 4, 4 से 4 1 पे कैंसिल, और कितना आ गया 1, यानी कि ये आंसर आ गया। ठीक है, जब भी हरियाणा बोर्ड की बात आती है तो 8.2 से MCQ में एक क्वेश्चन जरूर आता है, और वो ऐसा ही सिंपल सा क्वेश्चन देगा कि वैल्यू मतलब पुट करनी है आपने, और सिंपल सा यानी कि एक या दो लाइन में ही आंसर आ जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना है आपने, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सारे के सारे एक जैसे हैं, लेकिन जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो है थर्ड पार्ट, उसमें जो है आंसर मैच नहीं होता। तो एक बार इसका थर्ड पार्ट देखें, इसमें क्या है थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में इसने कहा कि वैल्यू निकालिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसका पार्ट नंबर है थर्ड। इसने कहा कि वैल्यू निकालिए कोस 45 डिग्री, सीकेंट 30 डिग्री और प्लस कोसीकेंट 30 डिग्री। ठीक है, तो सॉल्यूशन, कोस 45 1 बाय रूट 2 डिवाइड में सीकेंट 30, सीकेंट 30 से पहले कोस 30, कोस 30 होता है रूट 3 बाय 2, उसका रेसिप्रोकल 2 बाय में रूट 3, फिर प्लस की जगह प्लस,
कोसिकेंट 30, कोसिकेंट 30 से पहले साइन 30, 1/2 उसका रेसिप्रोकल 2/1। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 1/√2। फिर ये सिंबल, इसका एलसीएम कितना आ गया, √3 आ गया। √3 से √3 कैंसिल तो 2 रह गया और ये हो गया 2√3। ठीक है, उसके बाद यदि इसको और ज़्यादा सोल्व करें तो ये आ गया अपने पास 1/√2 मल्टीप्लाई में, ये √3 तो जो है ऊपर चला गया और नीचे से 2 कॉमन ले लिया और कितना रह गया 1+√3। ठीक है बच्चे, यहाँ आकर कन्फ्यूजन में हो पड़ जाते हैं कि भई अब आगे क्या करना है हमने। ठीक है, तो अगर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, अगर डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म है तो उसको रूट में नहीं रखना है, वहाँ से आपने रूट को हर हाल में सोल्व करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आप इसका रेशनलाइज कर दें। 2 तो देखो रूट में नहीं है तो 2 की तो कोई ज़रूरत नहीं है, √2 और 1+√3 ये दोनों ही टर्म रूट में है, हमने इनको ही कैंसिल करना है। तो √3 बाय में इस 2 को मैंने आगे लिख दिया, ये √2 एज इट इज़ और 1+√3 ये एज इट इज़। ठीक है, तो इस टर्म का रेशनलाइज कर दें आप, क्या हो गया इसका रेशनलाइज, √2 × 1+√3 डिवाइड में √2 × 1+√3। ठीक है, प्लस है तो माइनस का सिंबल आ जाएगा रेशनलाइज करते समय, और माइनस है तो प्लस आ जाएगा। तो ध्यान दें √3 × √2 दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ गया 6 और × 1 − √3 ये तो आ गया न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में ये 2 कॉन्स्टेंट, √2 × √2 √2 का स्केयर a + b a − b फॉर्मूला है a² − b² ठीक है, और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया तो इससे ये कैंसिल, ऊपर आ गया हमारे पास √6 1 − √3 डिवाइड में 2 × 2 4 हो गया, 1² 1 और इसका स्केयर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना रह गया ये −2। और ज़्यादा सोल्व किया तो ये हो गया −8, बट मैं माइनस को ऊपर लेके जाऊँगा तो माइनस के √6 और 1 − √3 और बाय में कितना आ गया 8। अब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो −√6 की −1 से, माइनस के √6 होगा और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि √18 तो पॉजिटिव और माइनस के √6 बाय में कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, तो कुल मिला के जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3√2 − √6 और बाय में कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, क्योंकि 18 को सॉल्व करेंगे तो यही होगा 3√2, 3 × 9 = 18, ये हमारा फाइनल आंसर होगा जो आपका मैच होगा, लेकिन आप यहाँ तक छोड़ते हैं तो वो गलत होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट वाली टर्म नहीं रहनी चाहिए। ठीक, तो ये था आपका यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो एक्सरसाइज 8.2 से पहले आपने टेबल को रिवाइज करना है और फिर आपने जो है इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ऐसे सिंप्लीफाई करना है। अब इससे रिलेटेड यानी कि कोई भी सम हो तो आप आसानी से कर सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड दोनों ही आपने खुद करके देखने हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम डिस्कस ज़रूर करेंगे इस पर। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th वो कराएंगे, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही काम करना है आप।